यार आपके लिए माशाल्लाह से आयल से एक्सेलेंट, बहुत अच्छी पलाई है आपकी, बहुत अच्छा माल है, खूबसूरत माल है, नगीने जमा है सारे, चेक करें माशाल्लाह कमरे, माशाल्लाह पोलका नूरे चशम सही है, बटरफ्लाई और वो रही मैगनम। सोच रहा हूँ कर दूँ रिवील इसको, क्योंकि कन्फ्यूजन बड़ी रहती है, करूँ रिवील इसको ना करूँ इस साल या अगले साल के ऊपर लेके जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कैटल मार्केट कराची एंड एक्यू कैटल फार्म। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त अली भाई, वेल नोन फार्मर हैं मॉडल कैटल फार्म। आज से दो साल पहले मैंने इनसे जानवर भी परचेज़ किया था, बबलू जी, सही है। और अभी आज की सूरत हाल ये है कि फ़र्स्ट विज़िट किया अली भाई ने मेरे फार्म पर, उसकी वजह यह है कि हम अभी अली भाई के फार्म जा रहे हैं। एक तो ये आपको मैंने बता दिया हमारा सौदा हुआ था, लेकिन दूसरा जो अली भाई का इंट्रोडक्शन है, लास्ट ईयर कराची के जितने भी अच्छे अच्छे सारे फार्मर्स हैं, सबसे सारे फार्मर्स में जो हिम्मत करी थी सबसे पहले फर्स्ट ट्रक लाने की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में, हमारे अली भाई ने की थी। तो अभी हम इनके फार्म जा रहे हैं इनका कलेक्शन देखने, लेकिन ये अभी हमें रिसीव करने आए, तो मैंने बोला आपने एक ओवरऑल देख लिया, दो चार पाँच मिनट ही हुए बस ओवरऑल खाते में दिखाया अली भाई को, तो एक छोटा सा रिव्यू लेंगे और फिर वहाँ चल के बाकी बातें करेंगे। यार आपके लिए माशाल्लाह से आयल से एक्सेलेंट, बहुत अच्छी पलाई है आपकी, बहुत अच्छा माल है, खूबसूरत माल है, नगीने जमा है सारे, और बहुत अच्छे वेट पे खड़े हैं, बहुत अच्छी एज पे, बहुत अच्छे वेट पे खड़े हैं, नस्ली माल है। और आई पर्सनली फील के ये बहुत बड़ी बात है कि पहले साल में आपको, मेरा ख्याल है अभी पहला साल नहीं हुआ होगा, लाइक आठ नौ महीने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, सबके लिए एक मैसेज है कि यार जो नीयत से काम करता है ना उसके लिए अल्लाह मंजिल आसान करता है। बेशक बेशक ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया। अब यह है कि अली भाई के फार्म पर ही जाके पूछेंगे कि वो इस साल उनके क्या इरादे हैं फर्स्ट ट्रक के हवाले से, या फिर कोई कलेक्शन जमा करी है वहीं से बैठ के बेचेंगे, मंडी लाएंगे तो पहले ट्रक पे लाएंगे क्या, वो सारी चीज़ें आप अली भाई वाले व्लॉग में ही कवर करेंगे, तो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हरा मसाला हमने अभी 10-12 दिन पहले चलाया था, आज दोबारा हम चलाएँगे, तो अली भाई कैसे व्लॉग बनाकर आ जाएँ तो फिर हरे मसाले की बाकी आपको आगे अपडेट देंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम। चलो भाई, वैसे आज जो है ना वो बारिश की पेशेंगोई थी, लेकिन हुई नहीं बारिश, ठीक है, वंडा चंडा इनको डल गया है, और मस्टैंग भाई थोड़ा सा खा के जो है ना वो पीछे हट गए हैं, पता नहीं क्या मामलात हैं। सही है, गर्मी शर्मी तो नहीं लग रही है इसको, वैसे ये भी इन्होंने हाड़ा हुड़ी करना शुरू कर दी थी मस्टैंग साहब ने, तो इनको ताज़ा ताज़ा नकेल डलवाइए, दो चार दिन हुए नकेल डलवाए हुए, आधा तो खा गया है माशाल्लाह, अभी आधा और खाएगा। असवद ने भी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वंडा सही से खाना शुरू कर दिया है, वरना ये बछड़ा जो है ना वो शुरू में वनडे में बहुत इसने तंग किया था हमें। बहरहाल इधर आ जाते हैं, याकूत साहब भी माशाल्लाह फास्ट चल रहे हैं, माशाल्लाह से तेज़ी से खा रहे हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, और बारिश की वजह से जानवर नहलवाए नहीं कि जानवर जो है ना वो गंदे संदे, अल्लाह आपका भला करे, हो रहे हैं। अच्छा ये बछड़ा है न्यू एंट्री, ये भी इंशाल्लाह आपको दो एक दिन में निकाल के दिखाऊँगा, ये सारा सीन है। तो ये अभी आए हैं, दो एक दिन हुए हैं, अभी ये सही से वनडे पे लगे नहीं है, इतना वंडा तेज़ी से उठा नहीं रहा, और इसके भी आज खुर बने, अभी ताज़ा ताज़ा इसके खुर बन के इसको खड़ा किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिस्टर चीता माशाल्लाह से फिनिश कर चुके हैं, यार चीते की ग्रोथ देख देख के ना मेरा दिल खुश होता रहता है, लगभग नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। ये जो कल आया बछड़ा वो है, ये भी गंदा संदा हो रहा है, अभी नहलाया नहीं है बारिश के मौसम की वजह से। इधर आ जाते हैं तो भाई बात ही एंड हो जाती है, मिस्टर शाने एक्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह शाने एक्यू, वैसे इनकी स्पीड कोई तेज़ नहीं है, स्लो ही है हमेशा से, लेकिन ये पूरा कर लेते हैं स्लो स्लो करके। और ये आ गया भाई ठाकुर भाई, ठाकुर बादशाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड भाई बछड़ा ही एंड, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। और फिर अब हम आ जाते हैं मिस्टर मरजान की तरफ, मरजान भी खा रहे हैं, और अब हम आ जाते हैं ज़रा बाहर तीसरे खाते में। भाई मिस्टर लियो जो है उनका भी जो है वो चल रहा है वंडा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अभी मैं आपको बताऊं अगर टाइम, तो तकरीबन 4:30 के करीब जो है ना वो इस वक्त टाइम हो रहा है, तो जब हमारा यानी कि अभी इनका आधा वंडा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही लगा इनको ना वंडा। मैं ये बात इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने विज़िटिंग आवर्स जो है ना वो अपने 5 बजे के बाद के रखे हुए, उसकी वजह यही है कि आप 5 बजे तक तो इनका वंडा चल रहा होता है, गर्मी की वजह से वंडा ज़रा देर से लगाया जाता है, थोड़ा ठंडे टाइम में, दोपहर 2 बजे पहले वंडा लगता था सर्दियों में, तो उस वक्त गर्मी कम होती थी, जानवर वंडा खा लेते थे। अब क्या है कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है,
और गर्मी की वजह से फिर जानवर ना अंडा नहीं खाते, दोपहर में अंडा छोड़ने लगते हैं। ये देखो डायमंड साहब भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं, सही है ना, मामलात ये हैं। लेकिन इंशाल्लाह मौसम सेट हो तो फिर इनको नहलाएं। और ये आ गए अपने मिस्टर एलमंड और फिर से लाडला, और ये आ गया अपना शहजादा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वापसी आ गया अपना लियो। ठीक है भैया, माशाल्लाह माशाल्लाह, टाइगर बॉय और उसके साथ अपना मिकी माउस। मिकी माउस के बाद जो है ना वो ऊद, जमजम और शेरा खड़े हुए हैं। तो ये है भाई मेरे भाइयों बात। अभी वंडा चल रहा है, ज़्यादा तंग नहीं करते, ठीक है, इधर आ जाएं भाई। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह हीरो, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। भोले को भी नकेल डलवाइए, ये भी चूँकि थोड़ा सा मस्तियाँ कर रहे थे इस वजह से ये सीन है सारा, इनको भी नकेल डलवानी पड़ी है। ये आ गए हमारी मलका है हुसन, ये भी थोड़ा सा वंडा खाने में स्लो हैं लेकिन खा लेती हैं अल्लाह के करम से। अभी देखो कितना सारा वंडा इनका पड़ा हुआ है, खा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता खा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह पूरा कर लेंगी। ये है बात भाई मलका हुसन की, क्या ही बात है, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। और ये आ गई अपनी चंबेली, इसकी स्पीड तेज़ है आप देख सकते हैं, अल्लाह पाक हजम फरमाए माशाल्लाह। ये आ गई अपनी ब्यूटी क्वीन, और ये आ गई अपनी रेड वाली क्वीन, ब्यूटी क्वीन और रेड क्वीन, और ये आ गई अपनी मोमा काउस। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है, ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह। यहाँ पे वंडा भी डल रहा है भाई, और देखो भाई माशाल्लाह अपनी नूर चशम, आपको ज़रा एरियल व्यू दें ज़रा, ये माशाल्लाह कमरे देखें, चेक करें माशाल्लाह कमरे, माशाल्लाह पोलका, नूर चशम, सही है, बटरफ्लाई, और वो रही मैगनम, सही है, और वो परी, परी से पहले ये कौन सी है, नई जो बछड़ी आई है इसका नाम क्या रखें यार। अच्छे अच्छे सजेशन आए, किशमिश, कोकोमो, ये दो सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगे। जुबली मैं सोच रहा था, लेकिन जुबली आप लोग सही कह रहे हैं, इतना सूट नहीं कर रहा। ये आ गई बछड़ी वाइट वाली, ये नई बछड़ी आई है, इंशाल्लाह ये भी रिवील करेंगे आपको। ये आ गई अपनी तितली, सही है माशाल्लाह, कमर चेक करें तितली की, तितली वायदा भी अवेलेबल है। और ये आ गई अपनी मिस तसव्वुर, इसकी कमर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सोच रहा हूँ कर दूँ रिवील इसको, कोई कन्फ्यूजन बड़ी रहती है, करूँ रिवील इसको ना करूँ, इस साल या अगले साल के ऊपर लेके जाऊँ, समझ में नहीं आता। मेरी जानू मेरी गुड़िया, नहीं करो माशाल्लाह, ये चेक करें, मोहब्बत चेक करें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरी तसव्वुर का जो है ना वो वंडा अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, इन साहिबा का वंडा अभी आया नहीं है, आने वाला है, लाइन में है। चलो भाई तितली तुम्हारा आ गया, पोलका वेटिंग लिस्ट में खड़ी हुई है, इनका कब आएगा, और मिस तसव्वुर भी वेटिंग में खड़ी हुई है, अगला पोलका का है और उसके बाद फिर तसव्वुर का आएगा इंशाल्लाह। ये सीन है, कितना सेटिस्फाइंग व्यू है यार, कितना प्यारा खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, सारे जानवर ऐसे वंडा खाते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा जी, दोपहर में आप लोगों को जब इंट्रो मैंने बनाया ना, तो उसमें बताया था कि वो अल्लाह आपका भला करे हरा मसाला आज खिलाएंगे, और वापसी आते हुए मुझे मगरिब हो गई मॉडल कैटल से, अली भाई के फार्म से। और अली भाई के फार्म की वीडियो जो है ना आप लोग इससे पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि वो मैंने अभी अपलोडिंग पर एडिट करके लगा दी है, और अभी यहाँ पर यह है कि हरा मसाला खिलाया जा रहा है। तो मैंने बोला एक दो जानवरों का आपको दिखा दें, और बाकी ये वीडियो फिर जो है ना वो आगे बाद में कंटिन्यू कर लेंगे कल परसों में। तो ये हरा मसाला ज़रूरी होता है, हर 15 दिन में एक मरतबा खिला दें तो अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार भी खिला सकते हैं, 10-15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, जिसका जैसा एक प्रैक्टिस हो ना उस तरीके से। तो बाय द वे ये अस्वद अवेलेबल भी है फॉर सेल, ठीक है, और ये है कि सारे जानवरों का आज हरा मसाला चलेगा, एक दो को दिखा देता हूँ। वैसे तो इस वक्त जानवर सारे बाहर बंधे हुए हैं, लेकिन लाइटिंग के लिए मैं खाते के अंदर एक दो जानवर मैंने मंगवाए आप लोग को, ताकि मैं एक दो जानवरों का दिखा दूं भाई खिलाते हुए। तो इस तरीके से खिलाया जाता है, आपके घर भी अगर जानवर आए ना, क्योंकि बकरीद आ रही है, तो बाज़ात ऐसा होता है मंडी से जानवर आता है लोगों के घर पे, तो वो फिर वंडा वगैरह नहीं खाता, तो वो हरा मसाला आप जो है ना उसको खिला सकते हैं। इसमें
डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पहले भी मैं दो वीडियोज़ इस पर बना चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ अभी, क्योंकि मंडी के टाइम पे चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, न्यू ऑडियंस आती है, तो उनको बता देता हूँ। इसमें हरी चटनी में धनिया है, पुदीना है, लाल अपना हरी मिर्च है, इसमें काला नमक है, जामुन का सिरका है, इसमें नींबू है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो ये खिलाएंगे ना तो इसके अंदर से बादी भी ख़त्म होती है और बाकी मामला भी बेहतर होते हैं, भूख वगैरह भी खुलती है। यह आ गया हमारा बादशाह उसन, मैंने बोला इसको भी और दिखा दूँ और साथ साथ आपको डिटेल्स बताता रहता हूँ मैं। तो ये अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे एक दो जानवर, वो अवेलेबल थे, ये अवेलेबल नहीं है। खैर बहरहाल फार्म मेरा ओपन है सैटरडे संडे को भी, शाम 5 बजे के बाद से लेके 8-9 बजे तक, रात में भी हल्की फुल्की हमारे पास लाइटिंग होती है, तो 8-9 बजे तक हम लोग बैठते हैं। तो आप जो है वो आ सकते हैं विज़िट करने के लिए, 9 के बाद फिर जो है हम लोग नहीं होते, 9 से 10 बजे के दरमियान फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो ये है कि मंडी से अगर आप कोई परचेज़ करें या कहीं से भी जानवर, बाज़ औक़ात वंडा चेंज होता है घर पे, हम आप लोग कुछ और खिला रहे होते हो और वो फिर नहीं खा रहा होता ना, तो उस चक्कर में जो है ना इसको थोड़ा सा हरी चटनी खिलाते हैं, हाजमा थोड़ा बेहतर हो जाता है, भूख खुल जाती है, बादी ख़त्म हो जाती है, तो खाने पीने पर आ जाता है। तो उसके लिए बड़ी एक मैंने बोला इंफॉर्मेटिव आपको एक वीडियो बना के दे दें। बाकी अली भाई का व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो से पहले, तो उसमें यही डिस्कशन किया कि फ़र्स्ट ट्रक आया वो लेकर आ रहे हैं इस साल भी, क्योंकि पिछले साल वो लेकर आए थे या नहीं लेकर आ रहे, उनका क्या सीन है, वो फिर इंशाल्लाह आपको वो वीडियो देखें आप, उसमें पता चल जाएगा।